अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने के उपलक्ष्य में सदर सांसद रवि किशन ने सिंघनिया स्थित आवास पर सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि आज हमारे लिए दीपावली का समय है। यह पावन समय का इंतजार 500 वर्षों से था और आज 500 वर्षों के बाद हमें यह पावन समय देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन और शिलान्यास एक अविस्मरणीय समय की सदियों तक याद दिलाती रहेगी। सांसद रवि किशन भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि राम कण कण में है, परंतु आज राम मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं हिंदुत्व और हिंदुत्व की असीमता को बचा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, गोरखपुर न्यूज़ के दर्शक के या चैनल बहुत बड़ा तहलका मचौले बा गोरखपुर न्यूज़ के। हम पहले साधुवाद देव और गोरखपुर न्यूज़ देखे वाला सब लोगन के हम सांसद रवि किशन शुक्ल, जय श्री राम। आज का दिन दीपावली का दिन बा। आज जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यशस्वी हमरे पूज्य महाराज जी हमरे प्रधानमंत्री कहले रहन क्या दिया जा रही है, तो आज सब लोग दिया जलाना। आज मैं गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और कहता हूँ श्री रामचंद्र कृपाल भजमान। अरे 500 साल पुराना सनातन धर्म का सपना पूरा हुआ, कई लोगों का बलिदान आज सार्थक हुआ, कई कार्य सेवकों का आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो काम कर दिखाया, पूज्य महाराज जी ने। आज यही नाथ संप्रदाय, आज यही हमारे गोरक्षनाथ की जो पूरी परंपरा थी जो इस लड़ाई में थी, और जितने साधु संत और जितने अखाड़े आज थे हम सबको आज प्रणाम करते हैं। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और आज ये मेरे आवास पर मेरे कार्यालय पर सुंदरकांड चल रहा है। आज हम 151 दिया जलाएंगे, तो हम चाहेंगे आप सब लोग भी अपने अपने घर आज दिया जलाएँ और प्रभु राम का स्वागत करें, दोबारा उनको अपनी गद्दी 500 साल बाद मिल रही है। सांसद जी, हर जगह देख रहे हैं जहाँ हर लोग राममय में जुटे हुए हैं, हर जगह प्रतिष्ठा का आयोजन कर रहे हैं। आज का दिन पूरे विश्व में एक बहुत सुंदर दिन है। आज का दिन पूरे विश्व में
यादगार दिन है। आज सनातन धर्म दोबारा अपना स्थान ग्रहण कर रहा है अयोध्या में, हमारी संस्कृति दोबारा उसको पहचान मिल रही, हमारे भगवान को दोबारा जहां उनका जन्म हुआ अपनी गद्दी पे दोबारा आज विराजेंगे, इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है। आज की 5 तारीख 2020 जीवन भर और कई सदियों आने वाली पीढ़ी तक याद रखी जाएगी। देश विदेश से देखा जाता है, हर जगह लोग राम में डूबे हुए हैं, उनके लिए सबको मेरे तरफ से ढेर प्रभु राम की शुभकामनाएं। आज हमारे रामलला दोबारा विराजेंगे, पूर्ण निर्माण हो रहा है उस भव्य मंदिर का जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, कई कई 100 करोड़ का मंदिर बनने जा रहा है, कई 100 फीट की ऊंचाई पर बनने जा रहा है। ये मंदिर देखने विश्व से लोग आएंगे। मैं आपको पूरे भारतवर्ष को आपके माध्यम से पूरे गोरखपुर को ढेर सारी बधाई देता हूँ।